हेलो एंड वेलकम टू IITN एक्सप्रेस। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनवस्थी मोल कॉन्सेप्ट लेवल वन का क्वेश्चन नंबर 39 है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि हमारे पास चार ऑप्शंस है जिसमें कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशंस हैं, और इसमें से हमको बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन क्या है कि व्हेन डेफिनेट मास ऑफ एन एलिमेंट एक्स कंबाइंस विथ टू अदर एलिमेंट वाई एंड जी टू फॉर्म टू कंपाउंड्स, एंड इफ वाई एंड जी आल्सो कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड, दे आर कंबाइनिंग मासेस आर इन सेम प्रोपोर्शन हैव ए सिंपल रेशियो टू द मासेस ऑफ वाई एंड जी विच कंबाइन विथ ए कॉन्स्टेंट मास ऑफ ए, और यू कैन से कॉन्स्टेंट मास ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब हमारे पास एक एलिमेंट है और वो दो डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइन होके कंपाउंड बना रहा है, और ये जो दो डिफरेंट एलिमेंट है वो भी आपस में कंबाइन होके एक कंपाउंड बना रहे हैं, और उनका जो रेशियो है मासेस का, कंबाइनिंग मासेस का जो रेशियो है, प्रोपोर्शन है, वो सिंपल रेशियो होना चाहिए। ठीक है, टू द मासेस ऑफ वाई एंड जी। ओके, चलिए यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि किस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, सो द ऑप्शन इज गोइंग टू बी द ऑप्शन सी, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। कैसे, चलिए ध्यान देते हैं। पहले तो आप देखिए, हमारे पास है कंपाउंड CH2। CH2 में आप देखिए द मास ऑफ कार्बन कितना है, 12। मास ऑफ द सल्फर, वी आर हैविंग टू सल्फर एटम, इट्स गोइंग टू बी 64। ठीक है, 32 प्लस 32 इज गोइंग टू बी 64। अगर हम इसमें देखें कि कार्बन और सल्फर मास का जो रेशियो है दैट इज 12:64 है। अगर यहाँ से हम देखें CO2 का, तो CO2 का जो मास रेशियो होगा कार्बन और ऑक्सीजन का, तो हम निकाल लेते हैं कैसे होगा। कार्बन यहाँ पे हमारे पास है, उसका मास है कितना, 12, और ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 32, और कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा दैट इज गोइंग टू बी 12:32। अब यहाँ पे आप देखिए, हमारे पास यहाँ भी इस कंपाउंड में भी कार्बन है, इस कंपाउंड में भी कार्बन है, और इसका जो मास है वो क्या है, फिक्स्ड है दोनों कंपाउंड में अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पर भी 12 है और यहाँ पर भी 12 है, और तो इसको हम क्या बोल देते हैं कि जो कार्बन है दैट इज द एलिमेंट एक्स, और जो सल्फर है और ऑक्सीजन है दैट इज द एलिमेंट वाई एंड जी। तो अब सल्फर और ऑक्सीजन मिलके एक तीसरा कंपाउंड बना रहे हैं SO2। इसमें इसका हम देख लेते हैं कि मास रेशियो क्या है, सल्फर का मास 32 और ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है तो इसका भी मास कितना हो जाएगा, 32, और इनका रेशियो जो आएगा वो कितना आने वाला है, 1:1। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइनिंग विथ फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन। ठीक है, और वो क्या आने वाला है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ से हम क्या बोलते हैं कि द मास, और यू कैन से द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइनिंग विथ फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन, जो ये सल्फर ऑक्सीजन का जो रेशियो है जो फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन से कंबाइन हो रहे हैं, वो रेशियो क्या आ रहा है, दैट इज 64:32 एंड दैट इज गोइंग टू बी 2:1। ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन जो फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन से कंबाइन हो रहे हैं उनके जो मास का रेशियो है वो कितना है, 2:1 है। कितना है, 2:1 है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए, अगर हम बोलें इसको कि इट इज़ गोइंग टू बी 2/1, फर्दर इट कैन बी रिटन लाइक 2:1/1।
मतलब आप कह सकते हैं कि 2:1:1 है ना। और यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन सी है इट इज़ शोइंग द रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। जैसे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको एक डायग्राम से समझते हैं कि हमारे पास यहाँ पे है CH2, यहाँ पे है CO2 और जो कार्बन है उसका मास जो है दोनों कंपाउंड में फिक्स्ड है और सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन होकर यहाँ पे क्या बना दे रहे हैं SO2। ठीक है, तो अगर ऐसा कंपाउंड, ऐसा कॉम्बिनेशन हमारे पास बन रहा है तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ फॉलोइंग द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ओके, सो होप यू गॉट द आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।